जो गले में माला है, जो हार है, जो वस्त्र है, वो सब सजीव हैं, वो सब भगवान की सेवा कर रहे हैं, सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। उसके बाद भगवान उधर से लक्ष्मण, राम, सीता, हनुमान, जामवंत आदि सब लोग पुष्पक विमान से चढ़ करके आए। पहले पुष्पक विमान होता था, ना तो डीजल लगता था, ना मोबाइल, और ना तो लाइसेंस बनवाना पड़ता था। अब तो महाराज लाइसेंस तो है ठीक है, लेकिन हेलमेट बहुत जरूरी है, हेलमेट पर चलान कट रहा है। लेकिन पुष्पक विमान ऐसा था कि कोई लाइसेंस नहीं, कोई चलान नहीं, बैठो, कहां जाना है, अयोध्या जाना है, अयोध्या पहुंचा है तुरंत। आज तो हवाई जहाज, क्योंकि क्या है, जो साइंस है ना वो हमारे अध्यात्म से निकल के आया है, इसलिए अध्यात्म की तुलना कभी साइंस नहीं कर सकता, कभी जीवन में नहीं कर सकता, साइंस कभी तुलना नहीं कर सकता। आप लोग कह रहे हैं साइंस बड़ा विकास कर रहा है, क्या विकास कर रहा है, क्या विकास कर रहा है भाई? आप कहेंगे कि फोन दे दिया, फोन से आप जहां हैं तहां बात कर लेते हैं। तो पहले भी लोगों की इतनी क्षमताएं थी कि लोग कहीं भी रहते थे उनको अनुभव हो जाती थी चीजें, ऐसा नहीं है। इसलिए आज आपके अंदर क्षमता कम हो गई, जैसे पहले श्रुति शास्त्र से सुनने की क्षमता खत्म हुई तो लिख दिए व्यासदेव ने, वैसे ही पहले वो आपके अंदर क्षमता थी, वो क्षमता कम हुई, मोबाइल लाके खड़ा कर दी, लो अब ऐसे बात नहीं कर पाओगे, वैसे बात करो, क्या करेंगे। इसलिए साइंस कभी तुलना नहीं कर सकता अध्यात्म से।